टेन है जी, मई जून 2018-21 का क्वेश्चन है। तो डेफिनेटली हमारे पेपर के नजदीक है, लेकिन रिपीटिंग सॉरी रोशन मार्जिनल कॉस्टिंग स्टेटमेंट का सवाल पेपर में आपकी दफा आना को इतना चांसेस ज्यादा नहीं है। रिजोल्यूशन के चांसेस भी नहीं ना होने के बराबर हैं, इसके भी चांसेस नहीं है, मतलब सीवीपी और लिमिटिंग फैक्टर के चांसेस जो है ज्यादा है। तो मार्जिनल कॉस्टिंग का ये टॉपिक है हमारा, एब्जॉर्प्शन इनकम, एब्जॉर्प्शन एंड मार्जिनल कॉस्टिंग इनकम स्टेटमेंट 2018-21 का पेपर है। द फॉलोइंग बजट इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल फॉर द 2 ईयर्स, ईयर वन एंड ईयर टू। इसका मतलब आपको 2 सालों का सवाल सॉल्व करना है। डायरेक्ट लेबर दी हुई है, डायरेक्ट मटेरियल दिया है, फैक्ट्री कॉस्ट दी हुई है, सेल्स है, प्रोडक्शन है। तो पहली तो बात इंपॉर्टेंट ये है कि सेल्स 10,000 की है, प्रोडक्शन 11,000 की, इसका क्या मतलब है? अगर आप प्रोड्यूस 11,000 कर रहे हैं और सेल 10,000 कर रहे हैं, 1,000 यूनिट नहीं दिख रही मेरे पास। बिल्कुल सही। तो 11,000 आप प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, 10 सेल कर रहे हैं, तो 1,000 की आपकी क्लोजिंग इन्वेंट्री। वो क्लोजिंग इन्वेंट्री नेक्स्ट ईयर की बन जाएगी ओपनिंग इन्वेंट्री। तो अगले साल आप कितने बना रहे हैं? 13,000, और 1,000 पहले से पड़े हुए थे, तो 14,000 हो गए। 14,000 माइनस 11,000, तो इसमें भी 3,000 की क्लोजिंग इन्वेंट्री आपकी बच रही है। 13,000 तो प्रोड्यूस कर रहे हैं ना, जो पीछे से आगे आए हैं 1,000 वो भी तो ऐड करेंगे ना। 14,000 बेसिकली आपके पास अवेलेबल है, और 11,000 आप सेल कर रहे हो, तो 3,000 की क्लोजिंग इन्वेंट्री, पहले में 1,000 की क्लोजिंग इन्वेंट्री, दूसरे में 3,000 की क्लोजिंग इन्वेंट्री। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज ऑल्सो अवेलेबल ऑफ द फैक्ट्री कॉस्ट, 5,500 आर फिक्स्ड फॉर ईच एंड द रिमाइंडर आर वेरिएबल। इसका मतलब क्या हुआ कि 13,750 में से 5,500 जो है वो आपके फिक्स्ड हैं, बाकी वेरिएबल ओवरहेड्स हैं। 15,250 में से 5,500 फिक्स्ड हैं, बाकी वेरिएबल ओवरहेड्स हैं। तो हम उनको कैलकुलेट कर लेते हैं कि वो कितने कितने आते हैं। माइनस 5,500, तो इसकी जो फिक्स्ड आ जाएंगे वो आ जाएंगे 9,750, और दूसरे जो फिक्स्ड आ जाएंगे आपके 15,250, ये टू भी तो है ना, माइनस 5,500, क्योंकि फिक्स कॉस्ट आपको पता चेंज नहीं होती ना, उसके कितने आ जाएंगे जी? अच्छा, उसके 9,750 है, वो वेरिएबल है। अच्छा, अब कैसी बात है कि 8,250 की को डिवाइड करो प्रोड्यूस यूनिट से 11,000 से, देखें कितनी आती है पर यूनिट। 8,250 डिवाइड पे 11,000, 0.75। इसका मतलब वेरिएबल ओवरहेड पर यूनिट 0.75 के ईयर वन में। दूसरे में चेक करते हैं, 9,750 डिवाइड पे 13,000, मुझे हमारे आने चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट चेंज नहीं होती। तो ईयर वन में 0.75 आ रही है, 8,250 डिवाइड बाय 11,000 और 9,750 डिवाइड बाय 13,000, वो भी 0.75। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज नॉट एक्सपेक्टेड टू चेंज, इसने बता भी नहीं। फिक्स सेलिंग कॉस्ट आर 3,500 फॉर द ईयर वन, दे आर एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज बाय 2% फॉर ईयर टू। फिक्स कॉस्ट 3,500 ईयर वन की है, 2% बढ़ रही है ईयर टू, तो बढ़ के हम ले लेंगे 3,570 हो जाएगी। आगे कहते हैं जी, फिक्स सेलिंग कॉस्ट अगर नीचे आ गई ना सारी बात। आगे नेक्स्ट कहते हैं जी, वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट भी है, ये नई चीज आई है, आर एक्सपेक्टेड टू बी 5% ऑफ सेल्स रेवेन्यू फॉर ईच ईयर। वो हर साल के सेल्स रेवेन्यू का कितने परसेंट है जी? 5% है। सेलिंग प्राइस इज 18 पर यूनिट, देयर वाज नो ओपनिंग इन्वेंटरी इन ईयर वन। कैलकुलेट द बजटेड वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट, बजटेड वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर। फिर कहते हैं जी, दो नंबर है, टोटल बजटेड कॉन्ट्रीब्यूशन फॉर ईच ईयर। वेरिएबल कॉस्ट पहले हम प्रोडक्शन पर यूनिट की हम निकाल लेते हैं, वेरिएबल कॉस्ट जो है हमारी कितनी आती है। अच्छा, वेरिएबल कॉस्ट उसने कहा है कि पर यूनिट निकाले, तो वो ईयर वन और ईयर टू की सेम रहेगी, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट चेंज नहीं होती। इसमें आप क्या आ जाएगी, पहले डायरेक्ट मटीरियल, नहीं पड़ेगी आपको उसमें। अच्छा, देखिए जी,
देखते हैं रैंक मटेरियल आपको निकालना पड़ेगा ना पर यूनिट 24750 रैंक मटेरियल नीचे दिया है ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है 24750 डिवाइड बाय 11000 प्रोड्यूस से निकालेंगे ना कितनी आती है 2.25 और 29250 को डिवाइड करो 13000 से वो भी 2.25 ही आनी चाहिए 29250 डिवाइड बाय 13000 सारी बात है बनी हुई है 2.25 आगे आप क्या जाती है जी डायरेक्ट लेबर लेबर भी आपकी क्वेश्चन में दी हुई है देखें जी कितनी है जी 38500 डिवाइड बाय 11000 38500 डिवाइडेड बाय 11000 जी 3.5 दूसरे की निकालेंगे हम ईयर टू की तो वो भी वही निकलेगी वो कैसे निकालेंगे आप वो आपकी आ जाएगी 45500 डिवाइड बाय 13000 45500 डिवाइडेड बाय 13000 3.5 ही आ रही सारी बात आगे क्या आ जाएगी आपकी जी वेरिएबल फिक्स कॉस्ट फैक्ट्री कॉस्ट ना वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड भी कह सकते हैं आप वेरिएबल फैक्ट्री कॉस्ट भी कह सकते हैं आप वही प्रोडक्शन है ना असल में जी मेरी फैक्ट्री कॉस्ट अभी आपने खुद निकाल के मुझे बताई थी कितनी थी वो 0.75 सर वो कैसे निकाली है आपने वो हमने ऐसे निकाली है कि हमने 8250 जो हमारी निकली थी वेरिएबल फैक्ट्री कॉस्ट उसको डिवाइड कर दिया 11000 से तो 0.75 आया था 9750 को भी आप डिवाइड करेंगे 13000 से तो 0.75 ही आपका क्वेश्चन में आता है या आएगा नेक्स्ट देखते हैं जी हम वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट आर एक्सपेक्टेड टू बी 5% ऑफ सेल्स रेवेन्यू पर ईच ईयर ये नहीं लेंगे आप हालांकि वेरिएबल कॉस्ट है लेकिन शामिल नहीं करेंगे क्यों इस पे बात करते हैं हम शामिल इसलिए नहीं करेंगे कि उसने बजटेड वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट तो है लेकिन प्रोडक्शन कॉस्ट नहीं है इसलिए वो शामिल नहीं की जाएगी कॉन्ट्रीब्यूशन निकालते हुए आएगी लेकिन यहां शामिल नहीं की जाएगी याद रखिएगा बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है टोटल करें इसका और देखेंगे वेरिएबल कॉस्ट हमारी जो है वो कितनी या वो आ रही है सिक्स पॉइंट टू जो है वो आपकी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट हमने फाइंड आउट कर लिया और ये हमारी पहली रिक्वायरमेंट थी क्वेश्चन की हमने फाइंड की है कॉन्ट्रीब्यूशन फॉर ईच ईयर अब हमने कॉन्ट्रीब्यूशन फाइंड करना है हर साल का फॉर ईच ईयर वो हम फाइंड कर लेते हैं उसके लिए आपको मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट बनानी पड़ेगी प्रॉपर ठीक है जी तो मैं बनाने जा रहा हूँ वही है मार्जिन कॉस्ट स्टेटमेंट जो हमने करी थी ईयर वन की भी और ईयर टू की भी आपको बनानी पड़ेगी इधर हम ईयर वन लिख लेते हैं आगे हम ईयर टू लिख लेते हैं सबसे पहले आप क्या आ जाती है जी मार्जिन कॉस्ट स्टेटमेंट सेल्स सेल्स कह लें आप उसको रेवेन्यू कह लें एक ही बात है सेल्स कितनी थी हमारी यूनिट्स प्रोड्यूस कितने की आपने पहले साल 11000 और सेलिंग प्राइस कितनी है 18 नहीं सेल सॉरी सेल 10000 की है और सेलिंग प्राइस कितनी है 18 मल्टीप्लाई कर देंगे आप 10000 मल्टीप्लाई करें 18 आपके पास आ जाएगा जी 180000 मेरा ख्याल है 10000 है ना मैंने 1000 लिख दिया गलती10000 में 18 आ जाएगा तो ये आपकी आ जाएगी जी 180000
अगले की बात करें तो वो भी निकाल लेते हैं, वो यूनिट्स कितने हैं जी, 11,000 मल्टीप्लाइड बाई 18, वो कितने आ जाएंगे जी आपके, लेंस कर देंगे इसमें से जी हम वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट में से बेटा माइनस कर देंगे हम, वेरिएबल कॉस्ट जो हम माइनस करेंगे उसमें आपको डायरेक्ट वेरिएबल कॉस्ट लिखनी है जो हमें दी गई है, हमें सारी करने की जरूरत नहीं है, तो क्या लिख लेंगे हम वही किसान लिखेंगे हम प्रोडक्शन कॉस्ट, ऐसे ही है ना, क्या था मैंने कहा था किस तरह लिखना है आपने, वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट आपकी आ जाएगी जी मल्टीप्लाई, मैं इस तरफ कर रहा हूँ जगह नहीं है उधर लिखने की, आपने प्रोड्यूस कितने की यूनिट्स, आपने प्रोड्यूस किए यूनिट्स 12,000 है ना ईयर वन में, 11,000 मल्टीप्लाइड बाय प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी है 6.2 जी, मल्टीप्लाई कर दें इससे प्रोडक्शन कॉस्ट आ जाएगी, बताएं कितनी आती है, 68,200 इसमें से लेस कर देंगे क्लोजिंग इन्वेंट्री, 1,000 क्लोजिंग इन्वेंट्री है और एक यूनिट कितने का है 6.2 का, करने लेकिन मैं इसका बनाऊंगा तो आगे ईयर टू का बन सकता है, क्योंकि जो ईयर वन की क्लोजिंग इन्वेंटरी वो ईयर टू की ओपनिंग इन्वेंटरी बननी है, इस वजह से तो क्लोजिंग इन्वेंटरी आपकी कितनी आ जाएगी 1,000 × 6.2 = 6,200, मुझे गलत क्यों लग रही है, 6.2 जो है दोबारा कैलकुलेट कर लो, 2.25 × 3.5 × 0.75 चेंज सही टाइम पर मैंने पकड़ लिया, आपकी आ जाएगी 6.5, 11,000 × 6.5 कितना आ जाएगा 71,500, इसमें से माइनस कर देंगे 1,000 × 6.5 6,500 माइनस कर दें आप, टोटल करें क्या आ रहा है, 65, ये माइनस कर देंगे तो आपका कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, नहीं जो आएगा उसको हम कहते हैं ग्रॉस कंट्रीब्यूशन, नई चीज आ गई ग्रॉस कंट्रीब्यूशन, अगर इसका नाम ना भी लिखें तब भी फर्क नहीं पड़ता, इसमें से लेस करनी है आपने वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट, वो भी दी हुई है, उसके बाद कंट्रीब्यूशन आएगा, दैट इज अ न्यू पार्ट, इसमें सब लेस करनी है ग्रॉस कंट्रीब्यूशन में से लेस करनी है वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट, वो माइनस करेंगे तो कंट्रीब्यूशन आएगा आपको, इसमें भी ऐसे ही अभी आने ये स्लो है, ये लेंथी क्वेश्चन है, बड़ा टिपिकल क्वेश्चन है, कितना इसका 1,00,000, इसका 5% निकाल लें 9,000, वो आप माइनस कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा कंट्रीब्यूशन जो नॉर्मली हम निकालते होते हैं,
आ जाएगा जी आपका। एक लाख छह हजार इसमें से लेसे कर देंगे हम, वैसे उसने कंट्रीब्यूशन तक सॉल्व करने को कहा है, बट आई एम आल्सो गोइंग फॉर द होल क्वेश्चन। लेस कर देंगे फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट एक तो 5,500 की दी हुई है, फिक्स सेलिंग कॉस्ट भी दी हुई कितनी है 3,500। फिक्स्ड फैक्ट्री कॉस्ट आएगी और फिक्स सेलिंग कॉस्ट दो आएंगी। फिक्स फैक्ट्री कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट के अंदर जो चेंज नहीं हो रही वो कितनी है 5,500 की थी ना लग हमने, और आ जाएगी फिक्स सेलिंग कॉस्ट। वो कितनी थी हमारी 35 जी बिल्कुल, दोनों को ऐड कर लीजिए। अगले साल में होनी है ना, बताओ टोटल 9,000 माइनस कर देंगे तो आपका ये प्रॉफिट आ जाएगा 97। अब ये टू के लिए निकाल लेंगे, तो ये टू के लिए सबसे पहले आपको चाहिए ओपनिंग इन्वेंट्री। जो पिछले साल की क्लोजिंग इन्वेंट्री है ना वो ये टू की मेरे भाई बन जाएगी ओपनिंग इन्वेंट्री विच इज 6,500। आई विल राइट एज इट इज, आई डोंट नीड टू गो फॉर द कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री और ओपनिंग इन्वेंट्री, बिकॉज क्लोजिंग इन्वेंट्री इज ऑलरेडी कैलकुलेटेड, दैट विल बिकम द ओपनिंग इन्वेंट्री द नेक्स्ट ईयर डायरेक्टली। इसमें ऐड करेंगे हम प्रोडक्शन कॉस्ट यानी वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट, वो कितनी आएगी, आप कितने ऑर्डर्स हमने प्रोड्यूस किए हैं इस दफा, ये टू में हमने कितने ऑर्डर्स प्रोड्यूस किए हैं, देखें ये टू में हमने यूनिट्स प्रोड्यूस किए हैं 13,000। ये लिखते हैं 13,000 को मल्टीप्लाई करूंगा मैं वेरिएबल पर यूनिट कॉस्ट से जो कितनी है 6.5 करें, वो तो चेंज नहीं होनी ना, वेरिएबल पर यूनिट चेंज नहीं होनी, बताएं कितनी आती 13,000 6.5 लेस कर देंगे इसमें से क्लोजिंग इन्वेंट्री वो कितनी आएगी, तीन हजार इंटू सिक्स पॉइंट फाइव। अब जो माइनस के आगे लिख लेंगे हम आपकी कॉस्ट आ जाएगी जी, यानी 6,500 प्लस 84,500 माइनस 19,500 71,500 ये माइनस कर देंगे हम आपका। हम एक ही सीधी लाइन में बना देंगे दोनों तरह बनानी है पूरी स्टेटमेंट दोनों की बनानी है ये, मतलब मैं 198,000 से सीधा माइनस करता हूं सारा कुछ। नहीं 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 सर, कंफ्यूजन हो जाएगी ना करने के बाद, नहीं कंफ्यूजन हो जाएगी आगे निकालें कंट्रीब्यूशन, ग्रॉस कंट्रीब्यूशन क्या आता है। इसमें से लेस करनी है आपने वेरिएबल कॉस्ट, वही 5% ऑफ है सेल्स, हाँ 5% ऑफ सेल्स, तो हमारी सेल्स आप 198,000 उसका लेंगे 5%, माइनस कर देंगे हम वेरिएबल सेलिंग, तो आपके पास आ जाएगा कंट्रीब्यूशन कितना आ रहा है 126,500 माइनस 99,000 ठीक है जी।
इसमें से लेस कर देंगे फिक्स कॉस्ट, एक तो फिक्स फैक्ट्री कॉस्ट है उसमें तो कोई चेंज नहीं आना, 5500 है, और फिक्स सेलिंग कॉस्ट जो है वो थोड़ी बढ़ रही है, वो हो जाएगी 3570, क्योंकि 10% बढ़ गई है ना वो अगले साल। देखिए उसे लिखे, उसने क्वेश्चन में लिखा है कि फिक्स फैक्ट्री कॉस्ट 5500 ही रहनी, लेकिन फिक्स सेलिंग कॉस्ट वो कह रहे हैं 2% इंक्रीज कर गई है, तो 3500 का 2% जो है वो बनता है 70, 70, तो वो ऐड कर लेंगे तो 2% आपकी इंक्रीज कर जाएगी, वो माइनस कर देंगे तो आपका जो वो प्रॉफिट आ जाएगा। ये माइनस कर देंगे आपका प्रॉफिट आ जाएगा। माइनस करेंगे आप 7530 जी, बड़ा टेक्निकल सवाल था और डिफिकल्ट भी है, तो आगे हम इससे चलते हैं कि आगे क्वेश्चन में क्या कहता है ये देख लें। इसमें नई चीजें क्या है, एक तो वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंस माइनस करना पड़ता है कंट्रीब्यूशन से पहले आपको, लेकिन वो प्रोडक्शन कॉस्ट नहीं होती, और प्रोडक्शन कॉस्ट आपने पहले जो पर यूनिट निकाली है वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट वही आप यूज करें। क्लोजिंग इन्वेंटरी माइनस करेंगे जो क्लोजिंग इन्वेंटरी सेलिंग, वहां पे भी नहीं लिखी थी ना पीछे जो डायरेक्ट मटेरियल, नहीं लिखा ना मैंने लिखा है, और जो क्लोजिंग इन्वेंटरी इस साल की अगले साल क्या बन जाएगी ओपनिंग इन्वेंटरी, वो सबसे आपको सॉल्व करना पड़ेगा। एक बड़ी सी चीज दिखाता हूं आपको, देखिए अगर आप डिवाइड करें 9000 को वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट, टोटल वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट चेंज हो रही है लेकिन वेरिएबल सेलिंग पर यूनिट चेंज नहीं होती, क्योंकि हमें पता है वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट चेंज नहीं होती। देखते हैं 9000 को डिवाइड करें प्रोडक्शन से, नहीं सेलिंग है ना, सेल से रिलेट कर रही है, 9000 डिवाइड बाय 10000 क्योंकि सेल आपके 10000 यूनिट से 0.9 आ गया। अब अगले साल के लिए करते हैं 9900 डिवाइडेड बाय 11000 क्योंकि उसमें 11000 बिक रहे हैं और 99% टोटल वेरिएबल कॉस्ट, 0.9 ही आए क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट चेंज नहीं होती है। मैंने बस समझाने के लिए बस ये बताया, बेसिकली वो मार यहीं से मार रहे हैं ना, फिक्स कॉस्ट टोटल में चेंज नहीं होनी, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट में चेंज नहीं होनी, और वहां से कैलकुलेट द बजट प्रोडक्शन कॉस्ट, बजट प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट फॉर ईच ईयर। अब वो फिक्स का पूछना हमसे, बस बाकी नहीं है वो प्रोडक्शन कॉस्टिंग उसने कहा नहीं है, लेकिन प्रोडक्शन कॉस्ट मांगी है तो वो हम निकालेंगे। अब प्रोडक्शन कॉस्ट में क्या होगा, 6.5 तो यही रहनी है, सिर्फ इसमें क्या चीज ऐड हो जाएगी, फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड्स, फैक्ट्री ओवरहेड ऐड हो जाएंगे ना। आपको पता है कि फिक्स कॉस्ट भी एब्जॉर्प्शन में फिक्स कॉस्ट भी पार्ट ऑफ प्रोडक्ट कॉस्ट होती है, हम कहते हैं नीचे माइनस नहीं करते ऊपर ही करते, तो वो कितनी, हाँ जी वो कितनी आ जाएगी, 5500 डिवाइडेड बाय यूनिट्स प्रोड्यूस है आपके 11000, दोनों सालों की निकालनी हो कहा उसने, तो दूसरे साल की 7 नहीं आएगी, अभी तो उसने पूछा ईच ईयर, मेरा ख्याल है पूछा है ईच ईयर, क्योंकि दूसरे साल में जब आप डिवाइड करेंगे तो 30000 से डिवाइड करेंगे वो फर्क आएगी, 6.5 कितनी आ रही है फिक्स कॉस्ट, नहीं 5500 ही है, 5500 डिवाइड बाय 13000 जी कितनी आ रही है, 0.42
0.42 काफी है, ऐड कर लिया 5 + 0.4 6.92 आपकी निकलेगी प्रोडक्शन कॉस्टिंग में। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ईयर 1 की 7 है और 6.92 है ईयर 2, क्योंकि वो प्रोडक्शन कॉस्ट जो थी वो फिक्स शामिल करेंगे तो उसके पर यूनिट में फर्क आएगा ऑटोमेटिकली। ये हमारा सवाल हमने कंप्लीट किया है क्योंकि अब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग एक टेक्निकल क्वेश्चन था। जी फिक्स फैक्ट्री कॉस्ट ये वन की है और ये हमने जो है ना मैंने उसी को सॉल्व कर दिया कि पहले तो आपने लिखा हुआ था ना पर मिनट पे वो अलग से आप बना लेंगे। ये देखिए आगे वो क्वेश्चन में क्या कहते हैं से टू लिमिटेशंस ऑफ एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। ठीक है जी अभी हमसे क्वेश्चन में कम ही पूछता है ये एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के बारे में, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की लिमिटेशन बताएं। इट यूज्ड इट इंक्लूड्स फैक्ट्री ओवरहेड इन द प्रोडक्शन कॉस्ट ऑन एन एस्टिमेशन एस्टिमेटेड बेसिस बाय यूजिंग ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। बाय यूजिंग ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट वी यूज टू फाइंड एब्जॉर्प्शन कॉस्ट ऑफ द टोटल। If the estimated overhead rate is incorrect, second, then selling price will also be incorrect. We will charge different price from the customer, which is not suitable. Because selling price is also found through absorption cost. Markup will be calculated, which will definitely be wrong. So overhead cost is charged to production on an estimated overhead absorption rate basis. टोटल बजटेड प्रॉफिट फॉर ईच ऑफ द टू ईयर यूजिंग एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग पूछ लिया उसने 7 नंबर का। ठीक है जी अब इसको भी हमें बनाना पड़ेगा दोनों सालों का अलग से 6.92 के हिसाब से। मेरे ख्याल से शायद इसने नहीं पूछा होगा लेकिन उसने उसका भी हमसे पूछ लिया। तो उसमें यहाँ पे वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट नहीं आएगी, सिर्फ प्रोडक्शन कॉस्ट आएगी। करेंगे तो आप ऐसे ही ठीक है जी। नहीं उसने मैं देख लूँ कि इसमें रिकॉन्सिलिएशन तो नहीं मांगेगी आगे वो भी मांग लिया था। इसमें व्हाई प्रॉफिट कैलकुलेटेड यूजिंग एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग वाज डिफरेंट फ्रॉम द प्रॉफिट कैलकुलेटेड यूजिंग मार्जिन कॉस्टिंग। बाकी तो खैर नीचे डिफरेंट है वो कोई मसला नहीं। आपके पास आपने पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर दिया नॉट गोइंग टू बी एन इजी टास्क। ऑप्शन कॉस्टिंग से अगर आप करेंगे तो क्या होगा कि जो फिक्स कॉस्ट है ना ये जो वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट है ये भी नीचे ही आएगी। आप ऊपर तो माइनस नहीं करेंगे ना, ये नीचे ही माइनस करेंगे, वो अमाउंट यही रहेगी। और फिक्स फैक्ट्री जो है ये ऑलरेडी ऊपर आप ले चुके हैं, प्रोडक्शन कॉस्ट में आ गई ना ऑलरेडी, वो सॉल्व हो जाएगा, इतना मसला उसमें नहीं है। लेकिन मैं करता हूँ सॉल्व आपके सामने। ऑप्शन कॉस्टिंग स्टेटमेंट हम अगर बनाना चाहें तो वो भी हम देख लेते हैं ईयर वन की ईयर टू की। तो सबसे पहले आप शुरू किससे करेंगे, जाहिर बात है सेल से। सेल्स में कोई चेंज नहीं आ रहा, वही रहेंगी आपकी 80,000 और 198,000।
माइनस कर देंगे जी इसमें से हम प्रोडक्शन कॉस्ट, या कॉस्ट ऑफ सेल्स कहते हैं ना इसमें, तो हम इसमें हम कॉस्ट ऑफ सेल्स कहते हैं जब, ठीक है जी। कॉस्ट ऑफ सेल्स में आप क्या आ जाएगी जी, प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी है लेंगे हम, हम लेंगे 7 के हिसाब से, कितनी प्रोडक्शन की हमने 11,000 इंटू 7 77,000 आ जाएगा जी। इसमें से लेस कर देंगे कि हम क्लोजिंग इन्वेंटरी माइनस करनी है ना आपने, 1,000 मल्टीप्लाई बाय 7 कितनी आ जाएगी जी, 7,000 माइनस कर देंगे आपका आ जाएगा 70,000। लेस कर देंगे हम क्या, 1,00,000 कर देंगे इसमें सम फिक्स कॉस्ट, इसको कौन सी है जी, दो हैं, एक आपकी फिक्स्ड नहीं वो नहीं आएगी, फिक्स सेलिंग कॉस्ट आएगी और एक वेरिएबल आएगी, फिक्स कॉस्ट नहीं माइनस करनी हमने, यहाँ सारी कॉस्ट माइनस करनी लेस, मैंने इसको लिखी ज्यादा लिखी है, हम क्या लिखते हैं ग्रॉस प्रॉफिट के बाद लेस एक्सपेंसेस, वेरिएबल एंड सेलिंग एक्सपेंसेस सारे ही आते हैं जी। जी अस्सलाम वालेकुम, हाँ होनी है यार, मैं लेस करने के इसमें से हम सारे एक्सपेंसेस जो होते हैं वेरिएबल सेलिंग, वेरिएबल एंड फिक्स्ड, लेस सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस सारे आते हैं इसमें, तो जनरल होते हैं तो सारे, हमारे दो हैं, एक एक वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंस है आपकी और एक फिक्स सेलिंग एक्सपेंस है आप, ऐसे ही है ना, फिक्स फैक्ट्री कॉस्ट तो आनी नहीं है, फिक्स सेलिंग कॉस्ट है, वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट ऐसे ही, सेलिंग और एडमिन बस, वेरिएबल सेलिंग हमारी कितनी है जी, सेल्स का 9,000 ऊपर निकालेंगे हम, और फिक्स सेलिंग कॉस्ट हमारी कितनी है जी, वो भी दी हुई 3,500, ये हम टोटल कर देंगे, टोटल कितना आ रहा है, अब देखें फर्क किसकी वजह से आ रहा है, इसका प्रॉफिट कितना आ रहा है 97,500, इसका कितना आ रहा था, कितना आया, अच्छा, और इसकी पर यूनिट कॉस्ट कितनी थी 7, उसकी कितनी थी 6.5 मल्टीप्लाई बाय 1,000, क्लोजिंग इन्वेंटरी में से फर्क पड़ेगा ना, इसमें हम क्लोजिंग इन्वेंटरी कितनी ले रहे हैं, उसमें कितने ले रहे हैं 7,000, ये है बिकॉज ऑफ द फिक्स्ड कॉस्ट इंक्लूडेड इन द क्लोजिंग इन्वेंटरी, आवर अब्सॉर्प्शन कॉस्ट इन क्लोजिंग इन्वेंटरी इज हायर देन मार्जिनल कॉस्टिंग, दैट इज व्हाई प्रॉफिट इन अब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग इज हायर देन मार्जिनल कॉस्टिंग बाय 500। इसकी प्रोडक्शन कॉस्ट ले लेते हैं 13,000 इंटू 6.92 करें प्रोडक्शन, नहीं ओपनिंग इन्वेंटरी पहले ले लेते हैं, वो आ जाएगी 7,000, वो तो वही आ जाएगी ना पीछे है, प्रोडक्शन कॉस्ट
13,000 into 6.92 आप मुझसे लिख के लिखिएगा कितनी आ रही है जी क्या करने 13,000 into 6.92 89960 इसमें से लेस कर देंगे क्लोजिंग इन्वेंट्री वो कितनी है हमारी 14 माइनस 3,000 थी ना 3,000 इंटू 6.92 क्योंकि हमारी पार्ट कॉस्ट 6.92 है ना 3,000 इंटू 6.92 जी प्रोडक्शन कॉस्ट निकाली है 13,000 इंटू 6.92 टोटल 14,000 यूनिट्स हो गए माइनस कर दिया आपने उसमें से 11,000 बाकी रह गए 3,000 इंटू 6.92 20760 ये आपकी क्लोजिंग इन्वेंट्री आ गई माइनस कर देंगे हम करेंगे 7,000 प्लस 89960 76200 टोटल आ रहे हैं 121800 इसमें से आप वेरिएबल सेलिंग माइनस करेंगे वेरिएबल सेलिंग 9900 है और फिक्स सेलिंग में भी इजाफा हुआ है वो कितने हैं 3570 उसने कहा ना बढ़ गए प्रॉफिट आते is 5% of sales. Sales is 198,000 this time. उसका 5% double and double zero आता है. और fixed selling cost 22% से बढ़ेगी. वो 3570 हो जाएगी. 13470 is the total. वो हम minus कर देंगे तो आपका profit आ जाएगा. इसका प्रॉफिट आ रहा है 108330 उसका प्रॉफिट कितना आ रहा है 107530 ये 2 का माइनस करो जरा माइनस 107530 800 का फर्क आ रहा है और क्लोजिंग इन्वेंटरी हमारी कितनी है 3000 और पर यूनिट कॉस्ट में जो डिफरेंस आ रहा है फिक्स कॉस्ट की वजह से फर्क आ रहा है ना वो 6.5 है या 6.92 है नहीं पॉइंट में आएगा 0.32 का फर्क आएगा उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो डिफरेंस आपको बनेगा 3000 से तो डिफरेंस वही बन जाएगा आपका जो 800 से आ रहा है ठीक है जी तो इस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के थ्रू भी और मार्जिनल कॉस्टिंग के थ्रू भी ये वन ऑफ द डिफिकल्ट क्वेश्चंस था एब्जॉर्प्शन मार्जिनल इनकम स्टेटमेंट का जो हमने आज सॉल्व किया है कॉन्सेप्ट वही है इसमें सिर्फ वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंस और मजीद डाले हैं उसने इसके अंदर इसकी वजह से थोड़ा सा चेंज आया है इसको दोबारा आप जो है वो कंसीडर कर सकते हैं थैंक यू वेरी मच जी कोई मसला हो तो पूछिएगा